हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा शैम्पू जो मार्केट से कहीं गुना अच्छा है। यह आपके बालों को झड़ने से रोकेगा, बालों को बहुत ही ज़्यादा लंबा बनाएगा, घना बनाएगा और बालों को नेचुरली क्लीन करेगा। इट्स अ 101% नेचुरल एंड हर्बल शैम्पू जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो फ्रेंड हम मार्केट वाले जो शैम्पू यूज़ करते होंगे वो सिर्फ हमारे बालों को रफ और ड्राई करते हैं, हमारे बालों को बिल्कुल भी नरिश नहीं करते। पर जो आज की जो मैं आपके लिए शैम्पू लाई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसको हम आंवला रीठा शीकाकाई से बनाएंगे और कुछ और चीज़ें लेंगे। क्योंकि जो मार्केट वाले शैम्पू होते हैं उसमें सल्फेट होता है, सोडियम लॉरेट होता है, जो हम झाग के लिए यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और ऐसे हार्मफुल पैराबिन्स होते हैं, केमिकल्स होता है, आर्टिफिशियल कलर होते हैं, जो कि हमारे बालों को डैमेज भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा शैम्पू जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मार्केट से कई गुना अच्छा है और मार्केट से कई गुना सस्ता भी है, जो कि हम घर पर ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप इसे एक बार यूज़ करेंगे ना तो आप मार्केट के सारे शैम्पू भूल जाएंगे, मैं इसका गारंटी ले सकती हूं, आप बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि हम हर्बल शैम्पू और होममेड शैम्पू कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड शैम्पू बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है गर्म पानी। ये एक कप गर्म पानी है, डाल देंगे एक चम्मच ग्रीन टी, इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून ग्रीन टी। ग्रीन टी भी बालों को लंबा करती है, मजबूत करती है और बालों को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनाती है। तो फ्रेंड इसे हम अब साइड में रख देंगे। अब एक हम साफ कंटेनर या बाउल ले लेंगे या कोई भी बॉटल ले लेंगे जिसमें हमें ये शैम्पू स्टोर करके रखना है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हमारा, तो फ्रेंड सबसे पहले हमें चाहिए शीकाकाई पाउडर। शीकाकाई हेल्दी स्कैल्प के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और बालों को बहुत ही ज़्यादा लंबा करता है। साथ ही साथ इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, जो कि डैंड्रफ से बचाता है, इची स्कैल्प से बचाता है और जड़ों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करता है। साथ ही साथ ये हेयर फॉलिकल को भी नरिश करता है, बालों को नेचुरली क्लींस करता है बिना उसको रफ और ड्राई किए, और बालों में शाइन लाता है और बालों को सफ़ेद होने से भी रोकता है, बालों को झड़ने से रोकता है, और अगर आपके सर में जुएं वगैरह हैं तो जुओं को भी आने से रोकता है। ये नेचुरली बालों को लॉन्ग बनाता है, नेचुरली क्लीन करता है। तो हम यहाँ पर डालेंगे 1 to 2 टेबलस्पून शीकाकाई पाउडर। हमने इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून शीकाकाई पाउडर। आप पाउडर की क्वांटिटी घटा बढ़ा भी सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। सेकंड है रीठा पाउडर यानी कि सोप नट। सोप नट बालों को रीठा नेचुरली मॉइस्चराइज करता है और बालों को लंबा करता है। साथ ही साथ इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जो कि बालों को डैंड्रफ फ्री बनाता है और बालों को झड़ने से रोकता है। साथ ही साथ ये बालों को बहुत ही ज़्यादा शाइनी एंड सॉफ्ट भी बनाता है, और ये एक तरह से शैम्पू का काम करता है इसमें, क्योंकि नेचुरल झाग होती है इसमें, जो कि बालों को नेचुरली क्लीन करता है विदाउट इसको पीएच लेवल को डिस्टर्ब किए। और साथ ही साथ ये हमारे बालों को लंबा घना भी बनाता है और साथ ही साथ बालों को बहुत ही ज़्यादा लंबा भी करता है, ग्लॉसी लुक भी देता है। फ्रेंड मैंने इसमें 3 टेबलस्पून डाला है रीठा पाउडर क्योंकि मुझे ज़्यादा झाग चाहिए, आप चाहें तो 5-6 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है आंवला पाउडर यानी कि इंडियन गूसबेरी। फ्रेंड आंवला बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ये हमारे बालों को और हमारे जड़ों को मजबूत करता है, साथ ही साथ प्री मैच्योर ग्रेइंग से रोकता है यानी कि समय से पहले बालों को सफ़ेद होने से रोकता है, बालों को नेचुरली काला भी करता है अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हैं, बालों को झड़ने से रोकता है। साथ ही साथ अगर आपके स्कैल्प में जड़ों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, डैंड्रफ है, तो ये डैंड्रफ को भी रोकता है। साथ ही साथ हमारे हेयर पर जितने भी तरह के इन्फेक्शन होते हैं उसे भी रोकता है और बालों को बहुत ही ज़्यादा लंबा घना और मजबूत बनाता है और साथ ही साथ बालों को झड़ने से भी रोकता है। तो फ्रेंड हमने इसमें डाला था 2 टेबलस्पून आंवला पाउडर। तो फ्रेंड अब हमने जो ग्रीन टी बनाई थी वो थोड़ा थोड़ा करके एक लिक्विड, हम सेमी लिक्विड पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। एक साथ हम सारा पानी नहीं डालेंगे, ग्रीन टी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हम मिक्स करते रहेंगे। फ्रेंड आप देख सकते हैं हमें बढ़िया सा शैम्पू मिल चुका है और इसकी आप झाग भी देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका ड्राई पाउडर, ड्राई शैम्पू पाउडर भी बना के रख सकते हैं। आप आंवला शीकाकाई और रीठा को पाउडर में बना के रख लें और जब भी आपको यूज़ करना हो, जितना भी आपके बालों की लेंथ हो, थोड़ा सा लेके उसमें चैप नॉर्मल पानी आप थोड़ा सा गर्म पानी में मिक्स करके इसे यूज़ करें। आप इसको बहुत सारी, आप चाहते हैं तो इसे बहुत ज़्यादा झाग हो जाए, क्योंकि उतना झाग नहीं होगा जितना कि मार्केट वाले शैम्पू यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें
केमिकल होता है और सोडियम लॉरेट होता है और सल्फेट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे बालों के लिए। तो आप इसमें कोई भी बेबी शैम्पू डाल सकते हैं या सल्फेट फ्री शैम्पू डाल सकते हैं या आपको अगर बहुत ज़्यादा झाग चाहिए तो। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। आपके पास अगर फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप उसे मिक्सी में चला के एक लिक्विड जेल टाइप का तैयार कर लें और फिर इसमें डाल दें। तो हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। तो फ्रेंड ये हमारा बढ़िया सा शैम्पू तैयार है। आप इसको 2 हफ्ते तक ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा बना के भी या ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं तो इसमें पानी मत ऐड करना, सिर्फ पाउडर ही स्टोर करके रखना। और जब सो फ्रेंड आई होप मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये एक नेचुरल जो है शैम्पू है, इसका मैं अभी पहले मैं यूज़ करती थी पर कुछ समय से मैं इसे यूज़ नहीं कर रही हूँ, पर मैं सल्फेट एंड पैराबिन शैम्पू यूज़ करती थी। फ्रेंड अगर आप इसे यूज़ करोगे ना तो आप मार्केट के सारे शैम्पू भूल जाओगे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आप इसमें कोई भी हर्बल शैम्पू जो सल्फेट फ्री हो, केमिकल फ्री हो, आप बेबी जॉनसन्स बेबी सोप वो ले सकते हैं, शैम्पू ले सकते हैं, बेबी शैम्पू ले सकते हैं जिसमें केमिकल ना हो, 100% नेचुरल हो और उसमें किसी तरीके के पैराबिन और सल्फेट ना हो। आप इसे आपके बालों को थोड़ा सा वेट कर ले, गीला कर ले और इसको अच्छे से अपने बालों में लगाएं और अच्छे से आपको मसाज करनी है 5 मिनट तक। उसके बाद आप अपने जो है नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर दें। ट्रस्ट मी गाइस, आपको कोई कंडीशनर कोई कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप चाहें तो इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल, जैसे कि आप इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, टी ट्री एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं, पेपरमिंट ऑयल डाल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ऑयल हमारे बालों को ग्रोथ करने के लिए और जो हमारे स्कैल्प में इचीनेस हो जाती है, खुजली हो जाती है, उससे भी ये दूर करता है। सो फ्रेंड आई होप मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इसे ज़्यादा दिन तक बना के रखना चाहते हैं तो आप सिर्फ पाउडर यूज़ करें। पाउडर को आपको जब भी आपने ये शैम्पू करना है इसमें थोड़ा सा ग्रीन टी या आप नॉर्मल गर्म पानी से इसे अच्छे से पेस्ट बना लें और 5 से 10 मिनट के लिए रख दें ताकि इसमें थोड़ी सी झाग हो जाए। और झाग चाहते हैं तो शैम्पू कोई भी डाल सकते हैं। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये 101% इफेक्टिव है और नेचुरल है। और आप अगर इसे ट्राई करेंगे ना तो आपके बालों का टेक्स्चर, लेंथ सब कुछ आज शाइनी भी हो जाएंगे, स्मूथ भी हो जाएंगे। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। सो मैं आपसे मिलती हूँ किसी नई होम रेमेडी, नए DIY या नए किसी स्किन केयर के साथ। टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।